और इसे किलाए मुबारक भी कहा जाता था। लाल किले में हमारे देश की अलग अलग संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लाल किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ये औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था। इस भव्य किले में दो प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। नौबत खाना, मोती मस्जिद, मीना बाजार, दीवाने खास, दीवाने आम जैसी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों से सजा लाल किला अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से सन 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट पर बापू को, और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिल्ली की तस्वीरें। 11वीं बार आज देश के नाम लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और उससे पहले राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। Flowers and prayers of reverence and gratitude to find the path to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground. तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए पहली तस्वीर आ गई है नरेंद्र मोदी की, जो कि पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है अर्पित की, और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये पहली झलक सामने आई है। अब लाल किले की आज की सुबह बेहद खास, राष्ट्र पर्व स्वाधीनता दिवस 78वां जश्न आजादी देश मना रहा है। हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा है, जुबा पर देशभक्ति के गाने, महात्मा गांधी की ये आपको हम दिखा रहे हैं मूर्ति, राजघाट की तस्वीर, जहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और ये अद्भुत नज़ारा आपको